Please welcome veteran music director Uttam Singh ji and the cast of Sony Entertainment amazing. Television's new show Kyun Utthe Dil Chhod Aaye. Amrit, Randhir, Vashma, Uday, Radha and Bridge. Hai hai, kya baat hai? उत्तम जी, मेरा सौभाग्य है आज आपसे मिलने को मौका मिल रहा है. थैंक यू डियर. और इतनी खुशी की बात है कि आप इस शो के सारे कास्ट को साथ में लाए हैं. तो इस शो की कहानी क्या है? कहानी एक्चुअली क्या है कि 1947 तो दुनिया को पता है जी, ऑफ कोर्स पार्टीशन है, बट ये दिस इज बिफोर पार्टीशन. अच्छा. तो ये तीन जो लड़कियां हमारी बच्ची हैं, इन तीनों की लव स्टोरी है. जो तीनों इनके लवर हैं फिल्म में, यहाँ तो नहीं है ना? अच्छा. सर, प्रोमो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. आई मस्ट टेल ऑल ऑफ यू, बहुत ही प्यारा. बिल्कुल बिल्कुल. और उत्तम जी का म्यूजिक देना एक सीरियल के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. एंड ही इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ दिस सीरियल अकॉर्डिंग टू. बेशक बेशक. थैंक यू. मैं अमृत सहनी, एक ऐसी लड़की है जो सपने देखने से डरती है, इसीलिए अपनी लिखी कहानियों में मैं कुड़ियों के किरदार ऐसे बुनती हूँ जो अपने सपनों को खुल के जी सके. ओ जी, फिर मेरी मुलाकात होती है एडिटर साहब रणधीर रायजादा से. रणधीर और अमृत को यकीन है कि वो हर दीवार बहुत मोहब्बत और साथ के साथ पार कर देंगे. मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीवारें तो मजहब में भी होती. कोई वशमा बेग किसी उदय प्रताप सहनी से मोहब्बत करे, लोगों को ऑब्जेक्शन. प्यार की दीवारें तो बहुत मशहूर होती हैं, पर उदय और वशमा की दीवारें बहुत मशहूर होने वाली है. जी, दीवारें तो जी हम ही खड़ी करते हैं, कभी उम्र वाली दीवारें, कभी फलानी वाली दीवारें. पर जी एक बात बताऊं, मेरे रास्ते में ना एक भी दीवारें नहीं है जी, मैंने तो सब मिल गया है सच्ची. ओ जी, इस मासूम की बात पे मत जाना. इस बिचारी ने एक कोई रंग देखा इश्क का, एनू नहीं पता कि आने वाले समय में और कितने रंग और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे इसे दादा और ब्रिज की कहानी में. क्या बात है. थैंक यू. इंडियन आइडल की पूरी टीम की तरफ से आपके नए शो के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. और आप भी देखते रहिए क्यों उत्थे दिल छोड़ आए, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कमिंग ऑन द शो. एंड उत्तम सर, प्लीज हमारे साथ बने रहिए और हमारे शो को एंजॉय कीजिए. उत्तम दादा, एक एक दादा का गाना हो जाए, जरा जीत दीजिएगा. मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले. मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले. हो मैं निकला हो गाड़ी लेके, मैं निकला वो गड्डी लेके, और रास्ते पर उस सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया. वो एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया. शाबाश. God bless her. She was just wonderful. एक बार मैंने किसी ऐसे ही शो में कहा था किसी कंटेस्टेंट से कि जैसा तुमने ये गाना गाया है वैसा मैंने किसी से नहीं सुना है, तुमने बेस्ट गाया है. आज वो रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए मैं कहती हूँ उससे भी अच्छा इसने गाया है, और जैसा इसने ये गाना गाया मैंने किसी की को ऐसे गाते नहीं सुना. अरुणिता जिस तरह की लड़की है, जैसा मैंने देखा,
ये अपनी माँ की बहुत देखभाल करती है और मैं बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ उस बात से, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ की देखभाल करी है और माँ के साथ रही हूँ. और मेरे फ्रेंड्स हैं, कई बार मुझे बोलते थे क्या है हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, यहाँ चलो वहाँ चलो, तू थकेली है, तू ये है, तू वो है, जो बोलना है बोलो, मुझे मेरे माँ के पास रहना है, मुझे उनके लिए करना है जितना कर सकती हूँ. और इस चीज़ के लिए बहुत शक्ति चाहिए अंदर से. बिल्कुल. तो वो इस लड़की में है और उसके चेहरे पर वो शक्ति दिखती है. गॉड ब्लेस यू. और ये देखो मैं तुम्हारे लाई हूँ दुर्गा माँ की मूर्ति है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. क्योंकि जो शक्ति तुम में है, जिस शक्ति के चलते तुम अपने माँ बाप की देखभाल करती हो और इतना संभालती हो, जो एक लड़की में चाहिए, एक वुमन में चाहिए, वो तुम में है. तो मैं चाहती हूँ ये दुर्गा माँ शक्ति का स्वरूप होती हैं, तो हमेशा इनको अपने रूम में रखना. आई रियली ब्लेस यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड आई एम ऑलवेज विद यू. अलका जी, जब सानुदा और आप दिन में 5-5 डुएट साथ में गाते थे, ऐसी कौन सी आदत थी सानुदा की जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करती थी? शानू जी में पेशेंस नहीं था बिल्कुल. वो हमेशा घोड़े पे सवार आते थे. इंपेशेंट सानुदा. चलो चलो अभी हमको 10 गाना रिकॉर्डिंग करना है, हमको 10 स्टूडियो में जाना है. उससे फिर मैं थोड़ी वो हो जाती थी, मतलब डिस्टर्ब हो जाती थी, तो उसको लेके काफी वो खिटपिट खिटपिट हमारी होती थी. तो हाँ ठीक है तुम गा लो, फिर हम बाद में आके गाएगा. और अभी भी शो में जब हमारा कहीं शो कॉन्सर्ट होता है जी. तो अगर कि हमको 6 बजे निकलना है कॉन्सर्ट के लिए, तो शानू जी बोलते हैं निकलने के पहले मैं आपका डोर नॉक करूंगा, तो आप निकलना, फिर हम लोग साथ नीचे उतरते हैं. ठीक है 6 बजे, मतलब 6 बजने में 1 सेकंड पहले से ही खट खट खट, चलो 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 चलो. अरे शानू जी 5 मिनट, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो बहुत देर हो जाएगा, चलो खट खट खट. तो मतलब एकदम पेशेंस नहीं है और दैट अननर्व्स मी अ लिटिल बिट, दैट इज द प्रॉब्लम. तो इसको तुमको तारीफ करना चाहिए कि मैं तुम जानते हो मैं कैसे ट्रैवलिंग करता हूं, पंक्चुअलिटी कैसा हूं. अरे लेकिन 2 मिनट आदमी 2 मिनट तो देता है, 2 मिनट ग्रेस, 5-10 मिनट ग्रेस तो भगवान भी दे देता है. 2 मिनट के लिए तो पंक्चुअलिटी नहीं रहता है ना. 2 मिनट हो जाएंगे तो 6:02 हो जाएंगे. 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट इधर उधर कर दिया तो फिर पंक्चुअलिटी नहीं रहता. घोड़े पे सवार एक इंसान आता, दूसरा आदमी उतर, क्या क्या कुछ गिर गया, कुछ पड़ गया, ऐसा हो जाता है. No patience at all. ये तो बहुत अत्याचार करते हैं सर. वाह, टेरिबल. अलका जी की बुराई में भी तारीफ थी. यो और मेरी एक अजीब सी हिस्ट्री है, पूरी दुनिया को पता है. होता है यार. बिल्कुल. पंगे हुए थे. जो शेर लोग हैं. जी. हाँ और क्या. होता है. दो शेरों को आप साथ में एक केज में डालोगे तो टकराएंगे. बिल्कुल. है कि नहीं. लेकिन आई हैव टू से दिस, ये इंसान जो है, सब ने अच्छी अच्छी बातें बोलनी. अब मैं एक बात बोलूँगा जो कि सच्ची बात है. एक इंसान में हिम्मत जो होती है ना, वो तब दिखती है जब वो इंसान टूट जाता है. हनी हैज सीन और पूरी दुनिया को पता है. पूरी दुनिया ने अलग अलग खुसफुस खुसफुसाहट करके ये सोचा कि हनी कहाँ गया, कहाँ गया. द पॉइंट इज नॉट कि हनी कहाँ गया, द पॉइंट इज हनी यहाँ है और हनी हमारे साथ में रहेगा. This has to be done on national television. Oh, अरे अरे HR गले मिल लिए. हनी भाई एक जन्मदिन भी आपसे प्यार करते हैं. पूरे सीजन में पहली बार आई शपथ. अब तो मैं भी मिलूंगा. आदि आजा आजा सर. आज तो देखो जो भी है हमारा योयो हमारे बीच वापस आ गया है. आज तो फिर कोविड आया, आंधी आई, तूफान आए. यस अच्छा. ओ माय गॉड, आई लव यू. देखो ये होता है, हमने यही कहा ना कि अब चाहे कोविड आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन योयो हनी सिंह हमारे बीच से कभी नहीं जाएगा. क्या बात है सर, क्या बात है. Yeah.
बदलम जाज मेरे होते है प्यार प्यार लगे है मोहे सबका इलाज थोड़ा तो मैं झूम लूं इसके नशे में कम ऑन डीजे लगा दे डब स्टेप ट्रैक रम ना रम ना रम ना रम आहा ना मैं ही गाना करूंगा अगला आपके साथ बिल्कुल शर्मप्रिया आपने फिर से मौसम बदल दिया एब्सोल्यूट थैंक यू सो मच मिल गए किसी ने बोला था कि जब बंदा सो रहा हो तो धीरे बोलना चाहिए मिल गए रुको मैं उठाती कोई उठाएगा नहीं आराम से प्यार से उठाते हैं सांस बंद करो आपके पेट की आवाज आ रही है कोई जब भी कोई सो रहा हो ना तो प्यार से उठाते हैं मैंने ऐसे किया आपको ठीक आप सो गए इतने प्यारे प्यारे कपल बैठे देखिए विशु ये सर भी कर दीजिए आपको शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए तो परा है तू तो मेरी अपनी है तू क्या कर रही है मैं एक दया दिल हूँ पता कोई कुछ मांगता है मैं दे देती हूँ देखो और मैंने आपको एक तो फिर मुझे छुटकारा दे दे अपने आप से एक मिनट आइए हम आज कुछ ऐसा वैलेंटाइन डे मनाए जी आजा आजा दिल निचोड़े रात की मटकी फोड़े फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.